Hello students, today in our 11th standard and the subject is statistics, and now today we studied about chapter numbers 2 presentation of data. Usme hum exercise 2.1 aaj karne wale hain. Exercise 2.1 mein do sums aapne already sikha, ab aapko sum number 3 start karna hai. To aap apni textbook nikaloge and as on textbook mein आपको एक्सरसाइज 2.1 फाइंड आउट करना है. 2.1 एक्सरसाइज निकालना है, उसमें सम नंबर 3 निकालना है. सो स्टूडेंट्स प्लीज़, सबसे पहले आप एक्सरसाइज 2.1 में सम नंबर 3 निकालेंगे, क्योंकि जब तक आप सम्स को नहीं देखेंगे आपको एग्जामिन नहीं होगा. अभी इस टेबल को देखना नहीं है आपको. अभी इस जो टेबल मैंने ड्रॉ किया उसमें आपको तब समझ में आएगा जब आप अपनी एक्सरसाइज में फोकस करोगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1. व्हाट अबाउट से, तो द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लास्ट 60 डेज बाय अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन बिलो. यानी कुछ मोबाइल्स का सर्वे किया गया है, तो लास्ट 60 डेज में कितने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर हुए कंपनी में, उसके डेटाज आपको नीचे दिए हुए हैं. और आप स्टूडेंट्स देख रहे हो कि आपको कंटिन्यूस का फॉलो करना है, कब आपका क्लास इंटरवल आएगा और कब आप कंटिन्यूस बेसिस पर जाओगे. तो आपको क्या देखना है उसमें, जब आपका डेटा लार्ज होगा, बहुत ही बड़ा होगा, तब आपको अबव थ्रू 2 डिजिट से ज़्यादा हो मे बी, तो वहाँ पर आपको कौन से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कंटिन्यूस, ये चीज़ ध्यान रखना है. तो यहाँ पर डेटा देख रहे हो 1000 तक में दिए गए, तो इसलिए आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लोगे, कंटिन्यूस. और स्टूडेंट एक चीज़ और नोटिस की, मैंने यहाँ पर कौन सी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी. उसका कुछ रीज़न है, आगे आपको पता चलेगा. डिस्ट्रीब्यूट इनटू 10 क्लासेस, 10 क्लासेस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो मैंने सबसे पहले कॉलम बना दिए 11 के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी एक आपका टोटल का होगा और 10 कॉलम आपके इसके होंगे, क्योंकि आपको 10 क्लासेस में ही डिवाइड करना है. दैट्स इनफ, उसने पहले से ही एक मेजरमेंट दे दिया है कि 10 क्लासेस में ही आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ओके, नीचे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है. ऑब्टेन लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, लेस देन एंड मोर देन, सर्कल दिस वर्ड, मोर देन एंड लेस देन. अब जब भी आपको लेस देन मोर देन आवे तो आपका प्रिफरेबल सबसे ज़्यादा कौन सी रहेगी, इंक्लूसिव. उस टाइम पर आप इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे. उसका रीज़न है क्योंकि जब हम लेस देन मोर देन करने जाएंगे तब क्लास बाउंड्री पॉइंट को कवर अप करने में थोड़ा इजी रहेगा, और आपको जो यहाँ पर नंबर्स दिए हैं ना वो थोड़ा ऑकवर्ड भी दिए हुए हैं. तो वहाँ से अगर आप इंक्लूसिव, ऐसा नहीं एक्सक्लूसिव में नहीं कर सकते, ऐसा कोई ज़रूरी कोई रूल्स नहीं है, आप एक्सक्लूसिव में भी इसको लेके जा सकते हो. लेकिन एक्सक्लूसिव में ले जाने के टाइम पर फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा. मे बी जैसे कि आपने 100 से 200 लिया, फिर 200 काउंट नहीं करना है आपको, नेक्स्ट क्लासेस में जाना होगा, तो वो 200 जो आप काउंट कर रहे हो वो नेक्स्ट क्लासेस के बेसिस पे काउंटेड करनी होगी. फिर ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पर आपको तकलीफ हो सकती है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मे बी आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, एज एन कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते टाइम पर आपको क्लास इंटरवल बेसिस पर एज एन इंक्लूसिव रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, हम अपने सम्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी. तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था, आपको क्या दिया है, क्लासेस दिए, नंबर ऑफ क्लासेस डिनोटेड एज अ के. तो इसका मैं वर्किंग नोट या आपको दिखे इसके लिए मैं यहाँ करने जा रहा हूँ एज एन कैलकुलेशन. आपकी नोटबुक में स्पेस होगी तो आपको सिर्फ ये कॉलम बनाना है, ये अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको वीडियो देखते टाइम पर पहले इस कॉलम को ड्रॉ करना है, फिर उसके नीचे कैलकुलेशन करनी है. ये टेबल आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो चलो अब हम इसके कैलकुलेशंस करते हैं. क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया क्या है, नंबर ऑफ, यानी के इज कॉल्ड नंबर
ऑफ क्लासेस, तो के आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 10, 10 क्लासेस में आपको डिनोटेट करना है, ओके, अंदर जो दिया हुआ है। और सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेंज। रेंज मीन्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम, आपको मैंने बोला था, बोला हो कि नहीं, रेंज करना जरूरी है, तभी तो हमको पता चलेगा एक्चुअली कहाँ से हमको स्टार्टअप करना है। तो आप देख सकते हो आपके सम में सबसे मैक्सिमम जो दिया है 1075 दिया हुआ, 1075। आप अपने नोटबुक में देखो, फर्स्ट रो में ही दिख रहा है आपको, फर्स्ट रो वाली देखोगे कॉलम में, रो नहीं सॉरी कॉलम में जाना, फर्स्ट कॉलम में आप देखो तो रो एंड कॉलम आपको दिया हुआ है, बट कॉलम में देखना है आपको 1075, लास्ट से थर्ड देखना है कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 1075, दैट्स योर मैक्सिमम। और माइनस मिनिमम आपको कितना दिया हुआ, 188, वो आपको थर्ड कॉलम में दिखाई देगा, 188 आपका मिनिमम ऑब्जर्वेशन है, ओके। तो इसको जब कैलकुलेशंस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा इन योर कैलकुलेटर कितना आएगा, 887, कितना आएगा, 887, ये आपका रेंज आएगा। अब आपको कौन से टाइप्स की फ्रिक्वेंसी लेनी हो यहाँ पर डिवाइड करेगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, रेंज और नंबर ऑफ क्लासेस को डिवाइड करोगे, दैट इज क्लास लेंथ का फॉर्मूला था आपका, सी इक्वल्स टू क्लास लेंथ के आर अपॉन के, ये फॉर्मूला है क्लास लेंथ का जो आपको यहाँ पर लेनी है, कि हमेशा यही फॉर्मूले बेस पे जाना है। तो R आपके पास कितना है, 887, और K कितना दिया है, 10, यानी 88.7। मे बी आप इसको यू एज्यूम कर सकते हो 89 एज योर क्लास लेंथ, मे बी 89 एज्यूम कर सकते हो, लेकिन आपका भले ही 89 दिया है, 89 को आप मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो आपका जो क्लास लेंथ है वो आपका रेंज से अप आ जाएगा, और रेंज से अप आना बहुत ज़रूरी है। 89 इंटू 10 कैलसी में करोगे तो कितना आएगा, 890, और आपका जो रेंज है वो कितना है, 887। अप जाना चाहिए वो ज़रूरी है, डाउन नहीं होना चाहिए, तो अप जा रहा है आपका परफेक्ट है, लेकिन ये ऑकवर्ड नंबर है स्टूडेंट्स। आपको जब क्लास इंटरवल लेना है वो मल्टीपल ऑफ 10 में लोगे, मल्टीपल किस में लोगे, 10 में। तो मे बी आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्लास लेंथ क्या लेनी है आपको, इक्वल्स टू 100 सिलेक्ट करना होगा, कितना सिलेक्ट करना होगा, 100, क्योंकि आप 89 के बेस पर जाओगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, इसलिए आपका 1075 भी 100 के बेसिस में आ जाएगा, और 188 आपका जो मिनिमम फिगर है वो भी 100 के बेसिस में आ जाएगा। यानी जब आप इंक्लूसिव बनाने जाओगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 100 से 199, 200, यानी 200 से 299। आपको मैंने कहा था इंक्लूसिव जब आप बनाओ तो आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ गिवन क्लास, बोथ आर नॉट इक्वल, आप देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं है। फिर वैसे ही 300 से 399, 400 से 499, 500 से 599, 600 से 699, 700 से 799, 800 से 899, और 900 से 999, और 1000 से 1099। आपके 10 क्लासेस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और लास्ट क्लासेस में आपका 1075 इंक्लूडेड हो चुका है। तो ये आपका क्या हो जाएगा एज ए टोटल, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको, 60 सिग्मा एफ, या फिर आप इसको एन भी कह सकते हो, टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है एज एन 60, वो आपको यहाँ पर टैली ऑन करना है। और टैली मार्किंग सिस्टम तो आपको मैंने पहले भी बताया था कैसे करना है, तो फिर से मैं बता दूँ, 100 से 199 के बीच के मार्क यहाँ आने चाहिए, जो ऑलरेडी आप पहले भी करते आ रहे हो, वो तो आपके लिए काफ़ी ईजी है। मेन आपके लिए क्या था, क्लास इंटरवल कैसे बनाना, तो फिर से एक बार और हम रिवाइज करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देना कि आपको नंबर ऑफ क्लासेस दी हुई है, प्लीज़ फोकस ऑन दिस पॉइंट, नंबर ऑफ क्लासेस आपको दी हुई है 10, इज इट क्लियर, ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर मार खाते हैं।
उसके बाद आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है, क्योंकि क्लास लेंथ आप किस पे डिसाइड कर सकते हो, उसका एक ही फॉर्मूला है, C इक्वल्स टू R अपॉन K। तो R अपॉन K कैसे निकालोगे, आपको K ये कब करना है, जब आपको ऑलरेडी क्लासेस में डिवाइड करने की लिमिटेशन दे दी हो, पहले से ही बोल दिया हो कि इतने ही क्लासेस में आपको रखना है। लिमिटेशन नहीं दिया तो हम एज्यूम करके डायरेक्टली कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लिमिटेशन दे के रखी, तो आप क्या करोगे, पहले के लिखोगे, फिर रेंज निकालोगे, रेंज कितना आ रहा है, फिर उसके बेसिस पर आप क्लास लेंथ निकालोगे, 89 आ रहा है, फिर आप उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आपके जितने क्लासेस हैं, क्या रेंज के आप जा रहा है आपका, रेंज का आप जाना चाहिए, तो आप मे बी 90 रख सकते हो, लेकिन 90 रखने का रीज़न है फिर आपके 10 क्लासेस नहीं बनेंगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएगी, तो इसके लिए मल्टीपल ऑफ क्या कर दो, 10 से आप कर सकते हो, क्योंकि 10 क्लासेस में ही डिनोटेड करना है, तो 10 × 10 करोगे तो आपका 1000 आ जाएगा, 10 × 10 तो 1000 के ऊपर आपका, 10 × 10 = 100, तो 10 इंटरवल में अगर आप लेते हो इस बेसिस पर, पहला आपका क्लासेस का ये कहाँ से पता चला 100, 89 × 10 करते हो तो कितना आएगा 890, वो आपका इसका बिगर हो गया। अब ये 89 90 के हिसाब से अगर आप 10 करते हो तो कितना हो जाएगा 90 × 10 900, फिर अगर 100 × 10 करते हो तो 1000 हो जाएगा, और 1000 के बेस पर आप अगर सामने वाले अपर बाउंड्री पॉइंट पे जाते हो तो 1100 तक आपका इजीली चला जाएगा, तो उसी बेसिस पर आप देख सकते हो लास्ट क्लासेस, यानी 900 से अगर आप जाते हो तो 1000 तक ही पहुंचते, इसलिए 100 के बेसिस पर अगर आप लेते हो तो कहाँ तक आ गया आपका 1099, और इस बेसिस पर आपका दोनों वैल्यू टैली मार्क भी हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्लास इंटरवल कैसे बनाना है वो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पहले का प्रोसेस था पहले वो कंप्लीटेड करेंगे, तो अब आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इस आपने इंक्लूसिव ही प्रोसेसिंग में किया, उसको करने का रीज़न है यहाँ पर आपको इजीली प्रेफरेबल होगा, तो आपको यहाँ देखना नहीं है, 200 ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, सिर्फ आपको यही लाइन देखनी, और इसके भी आपको और शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूँ, आपके जो नोट टेक्स्ट बुक में जो नंबर्स और जो डेटास दिए हुए हैं उसमें सिर्फ आपको आगे की फिगर देखनी है, 100 से 199 तो 100 वाली फिगर देखनी, उसके अलावा आपकी आगे आएगी ही नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट फिगर आएगी वो ऑब्वियसली क्या दिख रही, 200, फिर उसके नेक्स्ट फिगर 3, यानी फर्स्ट में आपको 100 से 199 के बीच में जाना है, मतलब आपको सबसे पहले डिजिट 1 देखना है, तो उस बेस पर अगर आप अपनी नोटबुक में 1 डिजिट वाला देख रहे हो तो आपको कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 2 टैली मार्क कर दिया, फ्रिक्वेंसी 2 लिख दी, ऐसे ही आपको सेम 200 से 299 के बीच में जाना है, तो 200 से 299 आपको कॉलम वाइज देखना है, कॉलम वाइज अगर आप देख रहे हो तो आपको कितने मिलने वाले, 4 आपको टैली मार्क मिलेंगे, 1 2 3 and 4 आपके टैली मार्क, ऐसे 300 वाले को देखना है कॉलम वाइज 300 को देखना है तो कितने टैली मार्क मिलेंगे आपको, 300 कंटिन्यूस अगर आप देखते जाओगे तो 1 by 1, मैंने तो डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ, आपको अपनी नोट में सबसे पहले पेंसिल वर्क करना है, मैंने आपको बताया था जो मिल जाए उसको क्या करते जाना, पेंसिल से क्रॉस करते जाना, तो उस बेस पर आप अगर टैली करोगे कॉलम वाइज आप जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 फ्रीक्वेंसीज मिलेगी, कितनी फ्रीक्वेंसीज मिलेगी, 9 टैली मार्क आपके 9 के बनेंगे, ऐसे ही आपको 400 से 499 के बेसिस में जाना है, तो वो भी आप कॉलम वाइज अगर जा रहे हो तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 कितना मिला, 7 फ्रीक्वेंसीज मिल गई, ऐसे ही आपको कहाँ से जाना है, 500 से 599 के बेस में जाना, तो कितनी मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो सारे 5 5 वाले लेने हैं, 500 के बेसिस पर तो सारी वैल्यूज मिल रही है, 550 540, इस बेसिस पर आप अगर टैली कर रहे हो तो कितने आएंगे, 10 फ्रीक्वेंसीज आएगी आपकी, कितनी फ्रीक्वेंसीज आएगी, 10, ऐसे 600 से 699 के बेसिस पे जाना तो कितनी मिलेगी, 8 फ्रीक्वेंसीज मिलेगी, सेम बेसिस पर आपको आगे जाना तो ऐसे कितनी आएगी, 700 से 799 फ्रीक्वेंसीज मिलेगी, इज इट क्लियर, फिर वैसे ही आगे जाना है तो आपको 4 फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फिर ये 900 से 999 के बेसिस पर जाना है तो कितनी मिलेगी, 3, और इसमें जाओगे तो आपको कितनी मिलेगी,
फोर। अब आप टैली कर सकते हो टोटल आपका कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 2, 4, 6, 6 और 9 15, 15 और 10 25, 25 और 7 27, 27 और 3 30, 35, 35 और 9 44, 44 और 4 48, 48 और 3 51। मे बी फॉर टैली करोगे तो आपका आएगा 2, 4, 6, 6 और 9 15, 15 और 10 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40, 40, 40 और 49 49 और 50 53, 56 और 4 60। टैली हो गया अपना, इन शॉर्ट में अपना ये पोर्शन फिनिश हो गया। और ये मैंने इंक्लूसिव इसलिए की थी क्योंकि मुझे यहाँ पर अपर बाउंड्री पॉइंट चाहिए था। लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं टैली करने जाऊँगा तो मुझे लास्ट लिमिट चाहिए। कभी भी मैं स्टूडेंट से अगर बोलूँगा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लेस देन में जब आप बनाओगे तो पहला कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ देना, और मोर देन बनाओगे तो लास्ट कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ देना। ये चीज़ ध्यान रखना। उसका रीज़न है क्योंकि जब आप ये 100 से 199 में जा रहे हो तो 100 से पहले वाले कितने हैं वो पहले आपको देखना होगा, और वो किस पर डिसाइडेड होगा, बाउंड्री पॉइंट पर। अब बाउंड्री पॉइंट जैसे आप डिसाइड करोगे तो आपको एक चीज़ तो पता ही है, और आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी, जब इसको आपको कैलकुलेट करना हो तो अपर लिमिट में अपर लिमिट में +0.5 करना था और लोअर लिमिट में -0.5। जैसे अगर आप इसका निकालोगे अपर बाउंड्री पॉइंट तो कैसे निकालोगे, 100 -0.5 और 199 +0.5, तो आपका क्या निकल के आएगा, 99.5 से 199.5। एकदम सिंपल और बेस्ट टेक्निक है। 0.5 एक में माइनस करते जाना है और एक में प्लस करते जाना है। इन शॉर्ट में यहाँ पर आपको -0.5 करना है और इधर पर +0.5 सब में, तो आपका यहाँ 99.5, 199.5, 299.5, 399.5 इस तरीके से फ्रिक्वेंसी आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको किसको सिलेक्टेड करना है, अपर बाउंड्री पॉइंट, किसको सिलेक्टेड करना है, अपर बाउंड्री पॉइंट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लेस देन फ्रिक्वेंसी हो तो अपर बाउंड्री पॉइंट और मोर देन फ्रिक्वेंसी हो तो लोअर बाउंड्री पॉइंट। उसका एक रीज़न है, उसका एक पॉइंट एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब आप लेस देन कर रहे हो, लेस देन का अगर अपोजिट निकालो, लेस देन यानी कि जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि 50 से कम स्टूडेंट कितने हैं, 50 से कम मार्क्स ला रहे हैं, तो 50 और 50 से कम यानी वो लेस देन में आ गया। लेस देन का मतलब मैक्सिमम, आपको अपोजिट वर्ड ढूंढ लेना है। लेस देन मतलब मैक्सिमम और मोर देन मतलब मिनिमम। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 10 और 10 से ज़्यादा, मैक्सिमम वर्ड जब भी मैं लगाऊंगा तो 10 और 10 से ज़्यादा, यानी हमेशा फोकस किसको करूंगा, अपर बाउंड्री पॉइंट को करूंगा। हमेशा फोकस किसको करूंगा, अपर बाउंड्री पॉइंट, कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके मैक्सिमम 10 मार्क्स, मैक्सिमम 10 से मैक्सिमम आए, 10 और 10 से मैक्सिमम। तो 10 से डाउन वाला कोई नहीं स्टैंड होगा, मैक्सिमम क्या होगा, 10 से अप वाले स्टैंड होंगे। 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो 10 से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे वो स्टैंड होंगे, तो जिसके 9 तक के मार्क्स आएंगे वो स्टूडेंट स्टैंड नहीं होंगे। इसीलिए लेस देन में हमेशा फोकस किसको किया जाता है, अपर बाउंड्री पॉइंट। इसलिए मैंने यहाँ पर अपर बाउंड्री पॉइंट को पहले आपको डिनोटेट कर देना है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, यानी आपको 99.5 यानी यहाँ पर माइनस करते जाना और यहाँ पर क्या करते जाना, प्लस करते जाना। सिंपल कैलकुलेशन है। तो आप यहाँ पर जब करोगे तो सबसे पहला मैंने बोला ना, फर्स्ट कॉलम आपको डैश छोड़ देना है, और डैश ना भी छोड़ो तो डैश ही छोड़ते हैं। तो सेकंड कॉलम आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से मैंने बोला ना अपर बाउंड्री पॉइंट, यानी 199.5 फिर 299.5 399.5 499.5 599.5 699.5 799.5 899.5 999.5 1099.5। और ये जो एक मैंने जो डैश रखा है ना,
फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 100 से स्टार्ट हुई है तो 100 के ऊपर भी कुछ होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 99.5, क्योंकि उससे भी तो ऊपर है ना क्लासेस, 1 से 99 वाली क्लास आएगी आपकी, भले यहाँ पर उसके डेटाज नहीं है लेकिन हम क्लास के बेसिस पर ले सकते हैं इसके पहले का अपर बाउंड्री पॉइंट क्या होगा। तो ये क्लास जब स्टार्ट हुई होगी तो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 से 99, तो ये 99.5 आपका फर्स्ट आ जाएगा इजीली। इज इट क्लियर? अब इसकी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, ये पॉइंट तो आपको समझ में आएगा कैसे हमने निकाला, अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। अपर बाउंड्री पॉइंट में एक ही चीज़ अगर आपके माइंड में आ गई, जैसे यहाँ पर मैं समझाऊँ, अपर बाउंड्री पॉइंट में हमेशा प्लस 0.5 करने का, लोअर बाउंड्री पॉइंट में माइनस 0.5 करने का, तो आपका इंक्लूसिव और इंक्लूसिव जो है वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से ध्यान रखना, अपर में प्लस 0.5, लोअर में माइनस 0.5। तो अभी तो हमको अपर बाउंड्री पॉइंट की ज़रूरत है तो वो हमने ले लिया। आप इसको सॉल्व करेंगे, 99.5 से कम, लेस देन है ना, 99.5 से कम और से ज़्यादा, तो 99.5 से आपको एक भी डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ज़ीरो। कितने स्टूडेंट्स के 99, मैक्सिमम 99 बोल दिया, मैक्सिमम यानी उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम चलेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। मैंने बोला अगर मैक्सिमम 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, मैक्सिमम का मतलब 10 इज अ लिमिट, 10 से डाउन वाले सारे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी वही बोला 99.5 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर एक भी फ्रीक्वेंसी दिख रही है 99.5 नहीं है ना, एक भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। 199.5 से कम, तो 199 मतलब ये पूरी लाइनिंग का अकॉर्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई, 2, और पहले वाले भी लेंगे 0 प्लस 2, आपका आंसर कितना आया 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? 99.5 उससे कम तो एक भी स्टूडेंट्स नहीं थे। अब मैंने जैसे वही मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, 10 से कम तो 10, मैक्सिमम 10, तो 10 और 10 से कम वो भी स्टूडेंट आ जाएंगे। फिर अगर मैं बोल रहा हूँ 299.5 से कम, यानी 299.5 वाले को तो मैं लूंगा, ये भी आ जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैक्सिमम 10 तक लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 1 टू 10 वाले आएंगे। मैक्सिमम 20 बोलूंगा तो 1 टू 10 वाले तो आएंगे ना, और एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएंगे, 10 से 20 वाले भी आ जाएंगे, 11 से 20 वाले। फिर मैक्सिमम 30 बोलूंगा तो 1 से 10, 11 से 20, फिर 21 से 30 वाले भी। मतलब कि क्या होगा, आगे की फ्रीक्वेंसी आपकी ऐड होती जाएगी, तो 0 प्लस 2 प्लस आपका इसका भी आ जाएगा एज एन, कितनी फ्रीक्वेंसी है 4, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 6। आया समझ में? मैंने क्या बोला, मिनिमम ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो 99.5 से कम वाले में कितने हैं, तो एक भी नहीं था। फिर कितना प्रोडक्शन 199.5 के अंडर में हुआ, तो 99.5 वाले भी आएंगे, 199.5 वाले भी आएंगे। फिर 299.5 वाले मैंने कहा तो 199.5, फिर 199, फिर 299.5, ऐसे वो प्रोसीजर चलता ही जाएगा। इसीलिए कहा गया है इधर अपर बाउंड्री पॉइंट सिलेक्ट करना, और ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। अब तो 399.5 लूंगा तो ये तीनों भी ऑलरेडी आएंगी, यानी 0 प्लस 2 प्लस 4, उसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी 9, तो कितना होगा 15। इज इट क्लियर? ऐसे 499.5, तो पहले की तो प्रोसीजर आपकी सेम आएगी, वो तो लिख ही देना है क्योंकि ये भी इंक्लूड इसमें हो ही जाएंगे, बस खाली ये जो 499.5 मतलब कि ये बॉर्डर एक एक्स्ट्रा आएगी। इतने स्टूडेंट्स तो सपोज आप इससे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो तो 300 से 300 के बीच में जितना प्रोडक्शन आपका हुआ होगा वो प्रोडक्शन भी इसमें इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस इसमें जो इस रेंज में जो जितना इंक्लूड हुआ प्रोडक्शन, वो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपका वहां पर ऐड हो जाएगा। तो 499.5 अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, 400 से 499.5 की फ्रीक्वेंसी एक एक्स्ट्रा ऐड होगी, बाकी फ्रीक्वेंसी तो आपकी सेम आती ही जाएगी। मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, एड 7 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 7, यानी आपके ऊपर की तो फ्रीक्वेंसी आती ही जा रही है, कितना हो जाएगा 22। उसके बाद
599.5 मतलब वो 10 और ऐड हो जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 32, फिर अगेन भाई 699.5, 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस आगे कितना ऐड करना है 8, तो कितना आएगा 40। फिर वैसे ही सिस्टम चालू रखना है, 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 और प्लस जो इसका नया आया होगा, कितना आया है 799 वाले में 9, तो कितना आ जाएगा 49। आया समझ में 49। फिर वही 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस लास्ट आपका कितना आया 4, 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53। फिर 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 56। फिर 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 सॉरी प्लस 4 इक्वल्स टू 60। आपका लास्ट फाइंड आउट हो गया। ये डिजिट नहीं भी काउंटिंग करना हो तो इसकी और भी शॉर्टकट ट्रिक है जो आप आगे सेंट्रल टेंडेंसी में करोगे, जो आपके ऊपर की कॉम्पिटिटिव हुई है नेक्स्ट वाले की आप इसमें ऐड कर दो। तो आप वही देख रहे हो, 2 के बाद जो हुआ वो ऐड होता जा रहा है, 6 प्लस 9 15 प्लस 7 22 22 प्लस 10 32 32 प्लस 8 40 40 प्लस 9 49 49 प्लस 4 53 53 प्लस 3 56 56 प्लस 4 60। मतलब एक एक्स्ट्रा खाली उसमें ऐड हो रहा है, बाकी तो आपका प्रीवियसली काउंट डाउन चलता ही जा रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब मैं नेक्स्ट जब मैं लेक्चर लूंगा, ये आपका रहेगा लेस देन वाले को मैं रफ कर दूंगा, तो ये लेस देन वाला प्रोसीजर आप लिख लो और वर्किंग नोट भी जो है मेरी उसके साथ में लिख लेना, क्योंकि अब मैं इसके जगह पर मोर देन फ्रीक्वेंसी लाऊंगा और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन अपना वही है, बस अब आपको यहाँ पर लोअर बाउंड्री पॉइंट को कंसीडर करना है, किसमें? मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाती है तो आपको लोअर बाउंड्री पे टारगेट करना है। क्यों करना है मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, लेस देन मतलब कि अपने क्या लेते हैं वर्ड्स, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब लेते हैं? जब हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा किसके आए, कितने स्टूडेंट्स के, मैक्सिमम 90 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मैक्सिमम मतलब मैंने एक टारगेट पे लास्ट में एंड कर दिया, 90 और 90 से कम वाले सारे आ गए। अब मैंने मोर देन का मतलब मिनिमम, मिनिमम कितने हैं, मिनिमम वर्ड्स आपका आ जाएगा। तो मिनिमम वर्ड्स के कारण हमेशा इसको क्या किया जाता है टारगेट पर, लोअर बाउंड्री पॉइंट। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लेस देन में फर्स्ट कॉलम आपको लेफ्ट करना है और मोर देन में कौन सा कॉलम आपको लेफ्ट करना है, लास्ट वाला। तो इधर भी आपके 11 ही कॉलम बनेंगे, पहले कॉलम बना दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट आपका 11। 11 कॉलम बना दिया हमने, लोअर बाउंड्री पॉइंट। लोअर बाउंड्री पॉइंट मतलब अब यहाँ पर पॉइंटेड आ जाएगा आपका जो उसका लेस देन में जो अपर बाउंड्री पॉइंट था वो मोर देन में क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड्री पॉइंट। 99.5 1.99.5 2.99.5 3.99.5 4.99.5 5.99.5 6.99.5 7.99.5 8.99.5 9.99.5 9.99.5 और 1.0.9.5। बस खाली एक ही चीज़ ध्यान रखना है, वो तो वही का वही सेम ही आएगा। आप बोलोगे सर इसमें भी वही था इसमें भी वही, क्या फ़र्क? फर्क पर है। कहाँ पर फर्क आएगा? आपका कॉम्बिनेटिव। अब मैंने आपको बताया था लेस देन में हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, मोर देन में डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसलिए कि अगर मैं कहूंगा 99 से मैक्स, मोर देन का मतलब 99.5 से ज्यादा, मतलब सारे आ गए,
कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो 10 से ज्यादा वाले सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, 100 मार्क्स वाले तक के सब स्टूडेंट्स स्टैंड हो जाएंगे। मिनिमम मार्क्स 10, 10 से ज्यादा लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स वाले, अगर मैक्सिमम बोलूंगा तो एक लिमिट आ जाएगी, मिनिमम मतलब वो लिमिट से स्टार्ट होगा, मिनिमम इसीलिए बोला गया लोअर बाउंड्री पॉइंट। मतलब अगर 99.5 की मैं बात करता हूँ, मतलब 100 से ज़्यादा, मतलब सारी फ्रिक्वेंसीज आ गई लास्ट एंड तक, ऑल ओवर सारी फ्रिक्वेंसीज जितनी एंड तक थी सब की सब आ जाएंगी। और आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें आपका देखो 99.5 से ज़्यादा मतलब सारी फ्रिक्वेंसी, ये आपका लोअर बाउंड्री पॉइंट है इसलिए मैंने इसको अभी रफ नहीं किया, ये 99.5 से, तो ये सारी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, मोर देन मतलब 99.5 से ज़्यादा वाले जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर हुए उनके क्या है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब सारी फ्रिक्वेंसी लिख सकते हो, मतलब कि 2+4+9+7+10+8+9+434 ओवरऑल 60 सब आ गया ना। फिर अब एक एक आपको रिड्यूस करते जाना, लेस देन में एक एक आप बढ़ाते जा रहे थे, एक एक लेवल को आप बढ़ाते जा रहे थे, इधर एक एक लेवल आपका कम होता जाएगा। अब ये 99.5 से ज्यादा बोल दिया, 99.5 से मतलब सब आ गए। अब क्या बोल रहा है 99.5 के मैन्युफैक्चरर्स के बाद में बोल रहा है 199.5, क्या कह रहा है 199.5 से ज्यादा, ध्यान रखना ये वाले लाइन की बात कर रहे हैं, लोअर बाउंड्री पॉइंट को टारगेट रखा है, इधर 199.5 है, 200-0.5 तो 199.5 से ज्यादा, मतलब आपकी फर्स्ट लाइन इज कट। आपको क्या करते जाना है, एक एक रिड्यूस करते जाना इधर, यानी जब आप लिखोगे तो 2 आपका हट जाएगा, कितना आएगा 4+9+7+10+8+9+4+3+4 ओवरऑल 58, क्योंकि ये वाले निकल जाएंगे ना, जैसे मैंने बोला 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से ज्यादा है वो खड़े हो जाए, तो 1 to 10 वाले खत्म। मैंने पहले बोला 0 से ज्यादा तो सब आ गए, अब मैंने लिमिट दे दी 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 10 से ज्यादा जिनके मार्क्स हैं, तो 0 to 10 वाले निकल जाएंगे। तो यहाँ भी वही हुआ है, 99.5 वाले 199.5 से ज्यादा बोला, तो 100 से 199 वाली फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, पहले 99.5 से बोला था तो सारी आ गई। और 199.5 से मैंने फ्रिक्वेंसीज की बात की है तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो जाएगा कि 200 से 299 वाले के पहले के बीच में इसके पहले वाली लाइनिंग यानी जो 2 फ्रिक्वेंसीज है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। बस सेम प्रोसीजर आगे करते जाना, काफ़ी ईजी, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना, बाकी ये कोई हार्ड नहीं, अक्सर बच्चे खाली समझने में गलतियाँ कर देते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, अब 299.5 बोल रहा हूँ यानी इससे ज़्यादा, मतलब ये दोनों कट हो जाएंगे, तो वो तो ऑलरेडी कट था, 4 भी अब आपका डैश हो जाएगा, 9+7+10+8+9+4+3+4 54 आ जाएगा, 4 भी डिडक्ट हो गया, सेम वे आगे तो 9 डिडक्ट हो जाएगा, 7+10+8+9+4+3+4 कितना आ जाएगा, 9 और माइनस करेंगे 54 में से तो कितना आ जाएगा, 4 गया 5 यानी 45, फिर अब 7 भी माइनस करेंगे तो 10+8+9+4+3+4 तो अब कितना आएगा, 45 में से 7 जाएगा तो 37, ओके नहीं 38, अब 10 डिडक्ट कर देंगे तो 8+9+4+3+4 38 डिडक्ट में से 10 डिडक्ट करेंगे दैट मीन्स आंसर विल बी योर 28। अब 8 भी डिडक्ट हो जाएगा, एक एक रिड्यूस करते ही जाना है, एकदम इजी मेथड है ये, आपको उल्टा चलना है, तो कितना आ जाएगा 20, अब 9 डिडक्ट कर देना है, 4+3+4 11 फिर 3+4 7 फिर ओनली 4 4 और इधर क्या आ जाएगा, 4 भी डिडक्ट हो जाएगा मतलब 0, इधर आपका लास्ट में क्या आ जाएगा 0, एक एक वैल्यूज आपकी डिडक्ट होती जाएगी, लास्ट में आपकी फ्रिक्वेंसी 0 आ जाएगी।
मतलब वहां पर जो आप सीधे चढ़े थे यहाँ उल्टा आना है। फिर से ध्यान रखना, मोर देन मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर और लेस देन मतलब असेंडिंग ऑर्डर। लेस देन में अपर बाउंड्री पॉइंट को ध्यान में लिया जाता है, मोर देन में लोअर बाउंड्री पॉइंट। लोअर बाउंड्री पॉइंट को इसलिए ध्यान में लिया जाता है क्योंकि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सक्सेस करना होता है, और मोर देन का मतलब ही हम स्मॉलेस्ट डेटा को पहले लेते हैं क्योंकि वहाँ से ही हम टारगेट पर रखते हैं, और लेस देन में क्या होता है हम हाईएस्ट डेटा को लेते हैं और वहाँ से टारगेट पर रखते हैं। इसलिए लेस देन हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी एक एक ऐड करते जाना, और मोर देन डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी एक एक कम करते जाना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब ये सेंस हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियोज में हम नेक्स्ट सम लेके आएंगे। ओके थैंक्स।